ज्वाला से कहो कि गाड़ी गैराज से निकाल ले, और रामसूब से कहना कि मेरी चाय लाइब्रेरी में ले आए। अच्छा जी। माली चाय रख दो। रामसूब राज अभी तक सो रहा है क्या? बेफिक्री की नींद तो इस उम्र में आती है मालिक, वरना आप अपने आप को देखिए ना, साल में 6 महीने तो आप सफर पर रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहां कभी इधर कभी उधर। क्या करें रामस्वरूप, बिजनेस का मामला है ना। अच्छा मालिक एक बात बताइए, इस बार आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? 1.5-2 महीने तो लगी जाएंगे। जरा जल्दी आए, छोटे बाबू की आपके बिना तबीयत नहीं लगती। रामस्वरूप जी, पहली बार है कि मैं राज को अकेला छोड़कर जा रहा हूं। तुम तो जानते ही हो कि उसकी देखभाल के लिए गवर्नेस आया या टीचर हमेशा कोई ना कोई तो रहता ही था। बस ये पहला ही मौका है कि इत्तेफाक से यहां कोई नहीं है। कोई कैसे नहीं, मैं जो हूं जान से ज्यादा प्यार करता हूं छोटे बाबू को। लेकिन रामस्वरूप, बच्चे की देखभाल के लिए घर में एक पढ़ी लिखी औरत को होना बहुत जरूरी है ना। अरे बातों बातों वक्त का ख्याल ही नहीं रहा, जाओ जाओ राजू को जगा लो। मैं भी जाता हूं। अरे सुनो सुनो हा? मैं खुद ही जाता हूं। जी वाले ज्वाला मालिक, गाड़ी निकाल ली? जी। सामान रखो, मैं अभी आता हूं। जी बहुत अच्छा। ए, ए, ये किस तुम्हारी स्वीट हार्ट की नहीं, तुम्हारे बाप की है। अरे एयरपोर्ट तक ना सही, कम से कम नीचे कार तक से छोड़ने चलो। हाँ चलो 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 बेटे। मैंने तुम्हारे लिए एक नई टीचर मिस मोना की एप्लीकेशन मंजूर कर ली है। फिर टीचर? हाँ, वैसे तो उसे कल शाम तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था, मैं खुद परेशान हूँ कि अभी तक वो आई क्यों नहीं। ओफो डैडी, मुझे समझ में नहीं आता कि ये टीचर वीचर की क्या जरूरत है। वैसे मेरी देखभाल करने के लिए रामू काका है, ज्वाला है, चंपा है ना, आप खुद सोचिए। और खामखा बूढ़ा बहुत सर पे लादने से क्या फायदा, और फिर अब मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। बेटे मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे सब मालूम है। रामस्वरूप तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम सामान मत उठाया करो, तुम दमे के मरीज हो। ज्वाला सामान उठाने के लिए मैंने तुमसे कहा था। रामू काका ने मुझसे कुछ नहीं कहा था मालिक। शट अप, अब खड़े भूखे देख रहे हो, सामान उठाकर गाड़ी में रखो, जल्दी करो इडियट। रामस्वरूप अपनी सेहत का ख्याल रखना। राजू जी कॉलेज से लौटते वक्त रामस्वरूप की दवा ले आना। बहुत अच्छी डॉक्टर, बहुत अच्छी। जीते रहो।